जांजगीर चांपा के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 5000 जुर्माना भी लगाया। नाबालिग के पिता ने 27 नवंबर 2018 में सक्ती थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।